हिंदू जन जागृति समिति के सदस्य विश्वनाथ कुलकर्णी और श्री राणी सती दादी ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश गोयल ने कहा कि 27 जुलाई को 5:30 से 8 बजे तक मोहद्दीपुर स्थित एक स्कूल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व राष्ट्र और धर्म प्रेमी उपस्थित होकर सनातन आस्था और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वनाथ कुलकर्णी और रवि प्रकाश गोयल ने बताया। विश्वनाथ कुलकर्णी, हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य समन्वयक हूँ। हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था इसके विद्यमान से गोरखपुर में 27 जुलाई 2018 को 5:30 से 8 इस कालावधि में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम मोहद्दीपुर चौराहा पर स्थित महाराणा प्रताप सभागृह में होगा और इस कार्यक्रम का मुख्य औचित्य है कि धर्मविहीन लोकतंत्र एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना, इस विषय में समाज में जागृति हो और लोगों तक धर्म शिक्षा पहुँचे। इस दृष्टि से इसमें मार्गदर्शन किया जाने वाला है। गत वर्ष भर में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु जो भी प्रयास किए गए उस संदर्भ में एक वीडियो दिखाया जाने वाला है और आगामी काल में जो आपातकाल आएगा उस आपातकाल में हिंदुओं की रक्षा हो, इस दृष्टि से उन्हें प्रथमोपचार एवं स्वसंरक्षा प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, इस दृष्टि से भी इसमें प्रात्यक्षिक दिखाने वाले हैं और इस दृष्टि से अधिक गोरखपुर के हिंदू निवासी इस कार्यक्रम को उपस्थित रहे, इसलिए आज हमें पत्रकार वार्ता उपस्थित ले रहे हैं। जो 2 जून को 8 दिन का गोवा में अधिवेशन किया था उसमें हम भी उपस्थित थे। वहाँ से हमने जो शिक्षा ली तो उसमें यह है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए और हमारे गुरु जी, हमारे गुरुदेव जी जो हैं उनका भी मानना है कि 2023 तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उसी में हम लोग प्रयासरत है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंधित नहीं है। हम लोग का अलग लक्ष्य है, उसी के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे भी हम लोग ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह के अधिवेशन करते रहेंगे।